अवेलेबल है, दो बराबर है। इसका ये इंसान का ये फर्स्ट टाइम था आज, जो काउबॉय केप पहना है उसका फर्स्ट टाइम है, और ये पहली मछली है, बहुत लकी है। पानी होता है तो ऐसे उसको पी सकता है, नहर पानी होता है और ऊपर में तोड़ में और बहुत सारा है, उगड़ को तोड़ के जितना ये अच्छा अच्छा ये है सबसे बड़ा ला, इसको रोस्टिंग कर रहा है। तो फिर से आप सभी को वेलकम बैक मेरे चैनल पे। बहुत लंबे समय के बाद एक ब्लॉग फिर से आप लोग के लिए लाया है अभी। सो अभी हम लोग आया है, मेरा दोस्त और जो पीछे में देख रहे हैं वो सब दोस्त जो हम लोग ये सेपा में है, इसका मेन हेडक्वार्टर से यहाँ 37 किलोमीटर समथिंग आया हुआ है, और यहाँ से अभी हम लोग फिशिंग करने जा रहा है आफ्टर लॉन्ग गैप के बीतल में बैठ बैठ के, वहाँ फिशिंग करने नहीं मिलता है तो आया हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन, मिलता है कि नहीं, चलो देखते हैं। मेरा भी वाओ। सो यहाँ फाइनली नदी तक हम लोग पहुँच चुका है, यहाँ से नदी बात देख सकते हैं वो है बिचुम रिवर जो वेस्ट कमिंग से आता है, और इस कमिंग में कमिंग नदी का से मिल जाता है। तो चलिए नदी चलते हैं। सो फाइनली हम लोग नदी में पहुँच चुका है, तो प्लानिंग था कि उस ट्रिप पार करने के बाद जाल मारेगा बोल के फिशिंग करेगा आके, लेकिन नदी बहुत ही बड़ा है तो मुश्किल होगा पार करने के लिए। देख सकते हैं नदी बहुत ही बड़ा हो गया है सफिया तो जो है। सो अभी कुछ अलग ही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पार करने की ट्राई करेगा तो चला जाएगा, नदी में जाएगा चला जाएगा। तो यहाँ स्टेप से ही मारना पड़ेगा अभी, उसके बाद जो प्लानिंग किया था वो चौपट हो गया, क्योंकि नदी बहुत बड़ा हो गया क्योंकि बारिश का कारण, और बहुत गंदा भी हो गया है देख सकता है। सो इस ट्रिप में जहाँ हम जा रहा है वही मारना पड़ेगा, क्योंकि उस ट्रिप जाने के लिए बहुत ज़्यादा भरा है नदी जो। चल चल के थक गया है। जो दिखाई दे रहा है वहाँ से, हम लोग वहाँ से पहली मार के आया है और बहुत नीचे और जाना है, वहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक हम लोग पहली मार के, वहाँ से मार के आना है हम लोग को, बहुत थक गया है पसीना पसीना है। चलो चलते हैं। सो गाइस वंस अगेन आप सभी को मेरा पेज में चैनल में
स्वागत है। और ये है हमारा इंची बोलता है और अलग अलग शायद अलग अलग बोलता है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको बताना चाहेगा कि जब हम लोग का अरुणाचल में जो लोकल है जो काली क्लान का और जो भी है वो मैक्सिमम ये भी जानता होगा, लेकिन कुछ कुछ लोग जो बाहर से होता है असम से और बाकी जो आउट ऑफ अरुणाचल से होते हैं वो पता नहीं होगा। नागालैंड मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट से मे भी कुछ कुछ लोग जानता होगा लेकिन मैक्सिमम आप लोग नहीं जानेगा। ये है एक चीज से जंगल में आप जाएगा कहीं भूख लग जाएगा, आप कुछ लाया नहीं होगा, घूमने आया होगा जंगल में कहीं फंस जाएगा। तो ये है वो, उसको बोलता है इंची। तो आप लोग इसको कैसे खाता है क्रश तोड़ के एक एक करके भी आप लोग खा सकता है, मीठा होता है, एक एक करके भी खा सकता है या तो पूरा ये लेके भी एक साथ खा सकता है खा के। मतलब इसका जो मीठा है उसको चूस के देखना है, बहुत मीठा होता है। याद करके अगर उसके पता ऐसे होता है जंगल में जाएगा तो कहीं फंस जाएगा तो आप लोग काम आएगा, भूख लग के पानी पिया से काम आएगा, तो आप लोग बहुत काम आएगा। तो आप लोग दोस्त को शेयर कर दो दोस्तों को जो बाहर का लोग है जो नहीं जानता है, लेकिन जनता भी होगा जो नहीं जानते उसको जानने देने के लिए आप लोग काम आएगा। जब भूख पिया से जंगल में भटक रहा होगा तब सबसे ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू सो मच। There's a lot of inches there. Out there, come on. Man, jungle लग रहा है। जंगल ही बन रहा है। जंगल में जंगल ही बनना चाहिए। Fully organic, seasonal and fruits है, खाना चाहिए। ये है इंची, उनको भी खिलाओ यार। ये तो शिकार मॉडलर जैसे लग रहा है, ये शिकार शिकार हैंडसम लग रहा है, सेक्सी है, स्ट्रॉन्ग पेट पर दिखाई दे रहे। अभी तो कितना पीस मिल गया, और कितना पीस मिल गया, कितना पीस मिल गया, तीन, ओनली तीन। पोस्ट का साथ बता रहा है बोले, पोस्ट देखिए, ओनली थ्री पीस टिल वी गेट। एक्चुअली जगह में यहाँ पे जस्ट ऊपर में रोड है तो उसी कारण से यहाँ बोट लोग आता है, सो बोट मारता है तो इसलिए बहुत कम मछली मिलता है। इसलिए सोचा था कि उससे पड़ जाएगा लेकिन नदी बड़ा होने के कारण से नहीं जा पाया। आलू गुट्टी आज बहुत ही लोदर है, हर एक जगह में जीरो जीरो, कुछ भी नहीं मिल रहा। मच्छू गोल्डन मशीर वर्कर आफ्टर लॉन्ग गैप अवेलेबल इसका ये इंसान का ये फर्स्ट टाइम था आज, जो काउबॉय केप पहना है उसका फर्स्ट टाइम है और ये पहली मछली है, बहुत लकी है। बाहर लगा रहे अरे फिर आना है, लकी है तो फर्स्ट मछली बोलो अमिताभ फर्स्ट। आज का इतना ही है, ओनली चार पीस, बहुत ही लोदर का दिन है पर भी ट्राई कर रहे हैं अभी तक। और ये बैग को बोलते हैं लोकल बैग,
नरा बोलते हैं हम लोग का तरफ से, और वहाँ अभी तक ट्राई जारी है। आज का दिन बहुत ही लोदर है, ओनली इतना मारा है, ओनली 3 पीस मिला, 4 पीस, ओनली 4 पीस मिला। क्या वीडियो वीडियो टाइम टाइम मार मार के और एक भी नहीं मिला, सिर्फ 4 पीस मिला आगे से। अभी जल्दी मारो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी तानो। लागर तक सा आलू ये है जंगल पट्टा, जो इसको हम लोकल से हारंग नमंग बोलता है। इसको अभी जहाँ मछली पकड़ा है वहाँ साथ में डालेगा। ये तो ये है हमारा जो अभी पट्टा डाला है, इसमें दोनों को मिक्स करके पकाने से बहुत टेस्ट होता है। तो पकने के बाद देखते हैं कितना टेस्ट होता है। आज का मेहनत जितना मिला है सबको पका के खा रहा है यार। ये रेत वाला बोतल में है, जो थोड़ा सा बड़ा वाला जाल से मिला वाला, और ग्रीन वाला में है जो मच्छरदानी तना है वहाँ से मिला वाला नमा छोटा मछली जंगल पट्टा के साथ में। तो ये है हमारा आज का सबसे बड़ा रोटी यह है, और जो वहाँ पे आधा है वो पका रहा है अभी तक। गेप नहीं, वो गेप था मिंगला पे वार पे। वाह अच्छा से रोस्ट हो गया है, पका है पकना पड़ेगा। कौन पका रहा है? पका रहा है कम मिला है लेकिन बहुत टेस्ट है। वो नहीं पका है मिला है और यहाँ से भूखा पिया से ज़्यादा मरा खा रहा है। जो वो मरिंदा देख रहा है ना वो यहाँ से उठा के पी रहा है एक्चुअली। ये सब गरीब वाला आदमी लोग हैं, हम लोग खरीद के नहीं ला सके ना, तो यहाँ जो मिला है उसको यूज़ कर रहे हैं। बस मछली जो हम लोग यहाँ से लिया है, बाकी सब यहाँ के ये प्लेट भी चम्मच भी मिर्चा सब कुछ यहाँ से मिला है। जो हम लोग से पहले कोई लोग था अपना ही पहचान नहीं लाता तो छोड़ के गया, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो नदी में ऐसे ही चलता है क्योंकि दूर होता है। तो ये है हमारा जो मच्छरदानी से निकला है छोटा वाला मछली, नमा हो गया छोटा मछली। पानी को फेंकना क्यों? तुम लोग तो पाओगे। क्या क्या करना है? मिर्च नहीं हुआ ना के। तो ये है जंगल पत्ता और वो बहुत टेस्ट हो रहा है। ओए नहीं यार रखो, नमक से रखो मत। तो इसको अभी टेस्ट करके देखते हैं। बढ़िया, क्या मस्त है पता। मालिया में
ये है बराला जो जाल से मिलने वाला है, बहुत गर्म है इसमें। और ये जो है ये है आपका कुंगे बोलता है, जो कोल का अंदर में मिलता है, कोल गाज का बीच में उसका सब पकाया है। तो कैसा लगा आपको टेस्टा? हेलो ओए हेलो टेस्टा खाने में बिजी हम वही तो बोले टेस्ट है क्या इसलिए एकदम बन रहा। आपको कैसा लगा जिन्होंने पकाया है? बहुत ही डिलीशियस है। नेक्स्ट बार से जरा दाल जाल मत डालो। हाँ हम जाल नहीं खाते, इकला खाने के लिए मत करो। हाँ निंजा टेक्निक है, पॉलिसी है, कम है इसलिए क्वांटिटी कम था इसलिए अच्छा लगाया। गाइस फॉर वाचिंग, सो आज का ब्लॉग यही रहेगा। तो जितना मिला है उसको पका के खा लिया है, घर ले जाने के लिए था ही नहीं, बहुत कम था। तो जितना बहुत लोग था एक्चुअली आज, जितना सोचा था उतना मिला नहीं है। और जिस सोच के आया था उस ट्रिप पर जाके मरेगा बोल के, लेकिन नदी भरा होने के कारण नहीं जा पाया है। तो इतना ही रहेगा आज का ब्लॉग, फिर मिलते हैं कुछ मज़ा वाला ब्लॉग पर। ट्राई करेगा कंटिन्यू लाने की ब्लॉग, तो आप भी बने रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन नेक्स्ट ब्लॉग। तो आफ्टर सब कुछ करने के बाद यहाँ जितना गंदा है उठा के हम लोग जला रहा है। एक्चुअली ये एक मैसेज है सबके लिए, नदी जाओ, जंगल जाओ, हाइकिंग करो, जो भी करो, लेकिन जब का पी के आप ख़त्म हो जाएगा अपना जो गंदा चीज़ है, बोतल हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया, जो भी चीज़ कार्टून हो गया, उसको अच्छे से जला के बर्न करके जाइएगा, ताकि इन्वायरमेंट सफा रहे हमारा और नेक्स्ट आने वाला भी साफ सुथरा से रहे। नेक्स्ट बहुत सारा गंदा था, उसको जला चुके हैं हम लोग। प्लीज जैसे भी अगर आप लोग घूमता है फिरता है पर भी सफा करके जाइएगा अपना फ्रामिंग को, आप जामे कहाँ पीता है।